हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी मार्कशीट प्रिंट करने की, और उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक बार डेटा क्रिएट करने के बाद आप किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डाल करके और उसकी मार्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। एक डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस बना सकते हैं किसी भी क्लास का। एक बार उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, यानी डेटा टाइप करना है डेटा सीट के अंतर्गत, और उसके बाद जब चाहें आप उसकी मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं। ग्रेड वगैरह और परसेंटेज वगैरह सब कुछ आसानी से निकल जाएगा, यानी बहुत अच्छा काम आपका होने वाला है। तो आखिर हम किस प्रकार से बनाएं, आज हम उसको आगे ले चलते हैं। जो हमने डेटा सीट बनाई थी उसी पर आगे सीखते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ये डेटा सीट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमारा एनरोलमेंट है, और हम इस एनरोलमेंट को यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो इसके पहले हमने जो डेटा सीट 2 यहाँ पे बनाई है, अगली सीट है, उसके अंतर्गत हम यहाँ पे क्लास एनरोलमेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम एनरोलमेंट जैसे ही इनपुट करें और उसका नाम नेम वाले फील्ड में, कॉलम में आ जाए, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो नेम ऑफ स्टूडेंट का एक कॉलम यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं, जैसे हमने कुछ कॉलम यहाँ पर जनरेट किए हैं, तो स्टूडेंट का भी कॉलम हम यहाँ पर जनरेट कर ले। तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा नीचे की ओर सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं फादर नेम, यदि आप आगे चाहते हैं, या फिर नेक्स्ट रो में चाहते हैं। हम और भी यहाँ पर रो इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट से रो को क्लिक करेंगे। ये एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इस प्रकार से हम आगे का डेटा यहाँ पर जोड़ देंगे। आप कंटेंट और फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, रोचक बनाने के लिए, या पेज का लेआउट या प्रिंट एरिया भी कई बार ये स्थिति निर्धारित करता है कि हमारा जो डेटा सीट है जिस पर प्रिंट होना है, प्रिंट सीट है, उसका साइज कुछ स्थिति में छोटा भी हो सकता है और कुछ स्थिति में बड़ा भी हो सकता है। तो वो फॉर्मेटिंग आप अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा रोल नंबर इनपुट किया जाए और उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाए, जिसका भी हमने एनरोलमेंट नंबर इनपुट किया है, उसका नाम यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं असाइन करता हूँ इक्वल वी लुकअप, टैब बटन प्रेस करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर सेल रेंज देनी होगी, जिसे कहते हैं लुकअप वैल्यू, जिसके आधार पर डेटा फाइंड करना है। तो लुकअप वैल्यू किसके आधार पर करना है, तो हम यहाँ पर सेल का एड्रेस देते हैं B5 के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसके आधार पर डेटा फाइंड किया जाएगा। कॉमा असाइन करते हैं। इसके बाद टेबल अरे, तो टेबल अरे का हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा अरे है। तो सीट 1 जो यहाँ पर डिफाइन की है, इसको मैं डेटा सीट कह सकता हूँ, इसका नाम हमने रिनेम नहीं किया है, हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट सीट पर हम जाते हैं। शायद आपको वीडियो में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमाइज कर रखा है। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सीट 4 है, सीट 1 है, इस प्रकार से हमने डिफाइन कर रखा है। उस थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर एरिया है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा था। चलिए, तो हम नेक्स्ट सीट पे जाते हैं, जहाँ पर हमारा पूरा डेटाबेस पहले से कंप्लीट है। तो यहाँ पर जब आप वी लुकअप के माध्यम से डेटा असाइन करना चाहते हैं, तो जिस सीरीज या कॉलम से आप असाइन करना चाहते हैं उसको फर्स्ट लें। जैसे हम क्लास के आधार पर फाइंड नहीं करना चाहते हैं, तो हम किसके आधार पर फाइंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एनरोलमेंट नंबर के आधार पर।
तो यहाँ से यानी ये जिसके आधार पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, उसको हम फर्स्ट कॉलम मानेंगे। वहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक के कॉलम का डेटा लेना है। तो एक्चुअली अभी तो हमें जैसे नेम लेना है, तो हम एक इतने से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम पूरा डेटा कैटेगरी तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर डबल लुकअप इसके कह सकते हैं दो सीट के लिए, तो आपको F4 करना है, प्रेस करना है। F4 करने से डॉलर सिंबल यहाँ पर असाइन हो जाएगा और ये डबल सीट को एक्सेप्ट करेगा, यानी डबल लुकअप की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद आपको कॉमा असाइन करना है। इसके बाद इसके कॉलम की संख्या देना, आप कौन सा कॉलम, कॉलम ये कॉलम नहीं जो आपने ABC से सिलेक्ट कर रखें, जहाँ से आप डेटा सेलेक्ट करते हैं यानी इनरोलमेंट से, तो इनरोलमेंट का कॉलम नंबर होगा 1, इसका होगा 2, ये 3, इस प्रकार से। तो अब हमें 2 कॉलम से उसका नाम उठाना है, डेटा उठाना है, तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर देंगे 2। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद न्यूमेरिक बंद था हमारा, हम असाइन करते हैं 2 कॉमा। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे, ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच करे या एग्जैक्ट मैच करे, तो उसके लिए ट्रू कंडीशन के लिए हम 0 असाइन करते हैं और एंटर करते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रोल नंबर हमने दी, इनरोलमेंट नंबर दिया है, उसके अनुसार नाम फाइंड कर रहा है। यदि मैं इनरोल टाइप करता हूँ 501, ये देखिए यहाँ पे आ गया सुमित जैन। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट के अंतर्गत हम नाम शो कर पा रहे हैं बिल लुकअप के माध्यम से। इसी प्रकार हम फॉर्मूला लगाएंगे फादर नेम के लिए। ये सब एक बार की प्रोसेस के अंतर्गत आपको लेना है। तो हम यहाँ पर इक्वल वी लुकअप टैब बटन प्रेस करेंगे। वी लुकअप किसके आधार पर चाहिए, तो रोल नंबर के आधार पर ही हमें चाहिए, क्योंकि जिस रोल नंबर का नाम है उसी का पिताजी का नाम भी वही होगा, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। या फिर हम इस नाम के आधार पर भी लुकअप कर सकते हैं, अभी हम वही वैल्यू लेते हैं। कॉमा असाइन करेंगे, नेक्स्ट सीट पर जाएंगे। अब हमें फादर नेम लेना है, तो लेना इनरोलमेंट के आधार पर ही है। उस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे, कॉमा असाइन करेंगे। अब हमारा चूंकि फादर नेम जो है वो थर्ड कॉलम में है, तो 3,0 कोष्टक बंद, एंटर। पिताजी का नाम भी आ चुका है, अब माताजी के नाम पर जाते हैं। तो माताजी के नाम के लिए वही लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप टैब बटन प्रेस करेंगे, सीरीज लेंगे, कॉमा, डेटा सीट पर जाएंगे, डेटा सीट सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा साइन करेंगे। माताजी का नाम चूंकि फोर्थ कॉलम में आ रहा है, कॉमा, 0, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। जी देखिए, यदि यहाँ पर हम लेते हैं रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर 2, नाम चेंज हो रहा है। यदि हम लेते हैं 3, नाम चेंज हो रहा है। यदि हम लेते हैं 4, चेंज हो रहा है। अब इसके अलावा क्लास तो हमारी एक ही है, सभी का फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट है, लेकिन समग्र आईडी नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर समग्र आईडी के लिए फॉर्मूला लगा लिया है, आधार कार्ड के लिए, आधार नंबर के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा चुके हैं। इसमें भी आप देख पाएंगे कि 4 के बाद हम देते हैं D5, ये देखिए डिफरेंट आ रहे हैं। ये सब हमने डमी रूप से, डेमो के रूप में भरा है, ये किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटाबेस नहीं है, ना ही हम किसी पर्सनल का डेटाबेस शेयर कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर किया भी नहीं है। चलिए, तो अभी हमारा डेटाबेस यहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट का आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट तौर पर डेटा, हमें इनके मार्क्स को भी यहाँ पर लेना है। तो मार्क्स को यहाँ फिल कराने के लिए हमें इसके लिए भी वी लुकअप फार्मूला लगाना होगा, ये वन टाइम ही होगा। वी लुकअप का हम प्रयोग करते हैं, रोल नंबर इनरोलमेंट के आधार पर ही हमें मार्क्स चाहिए, कॉमा असाइन करेंगे, सीट पे जाएंगे, इनरोलमेंट के आधार पर हम अब मार्क्स वाले एरिया में भी चले जाते हैं, हिंदी के चूँकि मार्क्स लेने हैं, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे,
अब इसका कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, 0 असाइन करेंगे, कोष्ठक बंद करेंगे, एंटर। 45 मार्क्स है तो इसको मार्क्स आए हैं 0, चूँकि ये 5 है हम 1 पे चले जाते हैं, 1 का देखते हैं कि क्या 45 मार्क्स है। बिल्कुल सही 45 मार्क्स हैं। अब इसके एग्ज़ाम्स के कितने इनको टोटल एग्रीगेट किया रहा, कौन सा टर्मिनल का, तो हम यहाँ पर एक टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल सम कोष्टक इनके सभी के, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स के टोटल के लिए मैं टोटल कर देता हूँ 45 है। चलिए अब इसी प्रकार हम इंग्लिश का भी डेटाबेस ले लेते हैं, इक्वल वी लुकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे, एनरोलमेंट को ही सिलेक्ट करेंगे, कॉमा साइन करेंगे, सीट पे जाते हैं, एनरोलमेंट इंग्लिश का भी ले लेते हैं, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा साइन करेंगे, अब हम इसका सीट हमने जो दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 10 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, 0 को शब्द बंद करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मार्क्स आते हैं आप देख पा रहे हैं कि मार्क्स का टोटल हो गया है 5 सब्जेक्ट के अनुसार हमें परसेंटेज भी निकालना है। चलिए इक्वल हम असाइन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, या हम सही जो फॉर्मूला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इनटू 5/100। यस, तो कहीं मिस्टेक हो गया है, कोई मिस्टेक हो गया है। इक्वल इसका निकालना है हमें, जिसका निकालना है वो वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, इनटू 5/100, तो हम मिस्टेक आ रही है देखते हैं, सीधे सीधे भी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, फिफ्टी 56%। तो ऑटोमेटिक ही ये डेटाबेस आ रहा है। अब इसमें ये होगा कि यदि हमें स्टूडेंट नंबर 502 का चाहिए, ये देखिए अब यहाँ की वैल्यू नहीं गई है क्योंकि ये पहले का फिक्स था, लेकिन यहाँ पर डेटा 0 हो चुका है क्योंकि उसके मार्क्स इनपुट नहीं किए हैं। अब यदि हम सेकंड स्टूडेंट के कोई मार्क्स इनपुट करते हैं डेटा एंट्री सेट में, इस स्टूडेंट को यहाँ पर मार्क्स आते हैं 85, 75, 96। अभी हमने दो सब्जेक्ट के मार्क्स का डेटा सेट यहाँ पर क्रिएट किया है, ये देखिए। तो इस प्रकार से इसका टोटल शायद मिस्टेक हुआ है, टोटल का फॉर्मूला हमारा जा चुका है, हम सम असाइन करते हैं, ये देखिए 32% यहाँ पर बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप रिज़ल्ट तक का डेटा बनाएं। इसके बाद हम हाफ ईयरली और एनुअल का भी देखेंगे और सबका ग्रेड भी देखेंगे, और जब किसी को सप्ली आती है तो ऑटोमेटिक कलर वगैरह में बताएगा भी ये यहाँ स्टूडेंट फेल है, यहाँ पास है। एक अच्छा, बहुत अच्छा डेटाबेस हम बनाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद भी आएगा। तो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।